केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। बढ़ते हैं संथाल की प्रमुख खबरों की ओर। गोरसंडा के पास सड़क दुर्घटना में घायल ने सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में तोड़ा दम। जिले में नित रोज सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके बावजूद लोग सचेत नहीं हो रहे। गोड्डा महाग्या मुख्य मार्ग में पत्थरगामा थाना अंतर्गत गोरसंडा के समीप सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल रामू दास ने सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि गोरसंडा के समीप दो बाइक के टक्कर हो जाने से रामू गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 के माध्यम से सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा था। भोगनाडी से झंडोत्तोलन कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। स्वतंत्रता दिवस को हर्ष उल्लास के साथ मनाने को लेकर प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड के विभिन्न सरकारी संस्थानों में झंडोत्तोलन करने का समय निर्धारित किया गया। अमर शहीदों की जन्मभूमि भोगनाडी में सुबह 7:30 बजे प्रखंड मुख्यालय में 8:45 पे, थाना परिसर में 9:30 बजे, पचकटिया हुल क्रांति स्थल में 10 बजे समेत अन्य विभागों में निर्धारित समय पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 3 माह में उदय की मौत की गुत्थी नहीं सुलझा सकी दुमका पुलिस, एसपी कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे परिजन। स्वास्थ्य कर्मचारी उदय कुमार की मौत मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक का पूरा परिवार शुक्रवार को एसपी कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठ गया। करीब 3 माह पूर्व 1 मई को उदय कुमार का शव यहां नेतुर पहाड़ी में अपने कमरे में फांसी से लटका हुआ मिला था। घटना के 3 माह गुजर जाने के बाद भी दुमका पुलिस उदय की मौत की गुत्थी नहीं सुलझा सकी है। शुक्रवार को एसपी कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे उदय के परिजनों का साफ कहना है कि उदय की हत्या हुई है, न कि उसके आत्महत्या की है। छात्रों के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी पोशाक की राशि। उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनुष पूजा में गुरु गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी के दौरान शिक्षकों को अपने कार्य में सुधार लेने का निर्देश बीपीओ गणेश भगत ने दिया। उन्होंने सभी प्रधानाध्यापक से नामांकन की जानकारी लेते हुए सूची जमा करने का निर्देश दिया। 3 से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई करने वाले छात्रों का बैंक अकाउंट खोलने का निर्देश दिया गया। खोले गए बैंक अकाउंट नंबर की सूची कार्यालय में सौंपने की बात कही। बच्चों को मिलने वाले ड्रेस की राशि का भी जानकारी दिया गया। कक्षा 1 से 2 के छात्रों के पोशाक का राशि माता समिति के खाते में भेजने की बात कही गई। पर्व त्योहार पर असामाजिक तत्वों पर रहेगी पैनी नजर, एसटीपीओ। राजमहल एसटीपीओ कार्यालय में शुक्रवार को यज्ञ नारायण तिवारी की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अपराध नियंत्रण एवं लंबित कांडों के निष्पादन पर मौजूद थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं मुहर्रम पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर क्षेत्र के असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश थाना प्रभारियों को दिया गया है। एसडीपीओ ने कहा कि बैंक सुरक्षा एवं राशि गश्ती बढ़ाएं, अपने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्ती का तेज कर संदिग्ध व्यक्ति या वाहन की अविलंब जांच करें। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो कहा जल्दी दबाओ।